आवास में कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है, आवास का तो एक नियमावली बना हुआ है कि अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय राज्य की पार्टी बन जाती है जिसके सांसद विधायक चुनाव जीत के आते हैं उन्हें आवास अलॉट करना रहता है, उसी के तहत आवास अलॉट किया गया है, उन्होंने आवेदन दिया है, उस पर कार्रवाई हुई है। 13 तारीख का तक का समय दिया है कि 13 तारीख तक में आप अपना आवास खाली कर लें, चूंकि अब उनकी पार्टी अब राज्य की स्थायी पार्टी नहीं रही है, उनके कोई सांसद विधायक चुनाव जीत कर नहीं आए हैं, 2 से 3 साल से उनको जो है उनका जो राशि था हम लोगों का आवास का जो रेंट होता है सभी पार्टी को अपना अपना रेंट जमा करना रहता है, तो उन्होंने पिछले 2-3 साल से अपना रेंट जमा नहीं किया था, तो सारे आधारों को मिलाकर उनका उनका आवास खाली करने का उनको नोटिस दिया गया है। वोट जाना तो स्वतंत्रता है कि कोई भी लोग वोट जा सकता है, लेकिन जो सरकार नियमावली पे चलती है कोई नियमावली की अनदेखी की जाएगी तो कुछ निर्णय। बीमा भारती जी तो पूर्व में भी हम लोगों की पार्टी में थी और विपक्ष में जाकर चुनाव लड़ी थी, उनका क्या हर्ष हुआ था ये हम लोगों आप लोगों को पता होगा कि जब चुनाव जब लड़ते हैं लोग तो सभी लोग अपने अपने जीत का दावा करते हैं, लेकिन वहां पर हम लोग पूरे चुनाव को देखे हैं और हम लोगों का जो एनडीए का उम्मीदवार है अच्छे अंतर से चुनाव जीतेगा। बीमा भारती जी तो पूर्व में भी हम लोगों की पार्टी में थी और विपक्ष में जाकर चुनाव लड़ी थी, उनका क्या हर्ष हुआ था ये हम लोगों को आप लोगों को पता होगा। हमको लगता है कि अंतोगत्वा उनका वही हर्ष होगा। देखिए कोई समीकरण काम नहीं करने वाला है, नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में चल रही है, एनडीए की जो सरकार चल रही है, हर लोग चाहता है कि हम सरकार से जुड़े रहे, कोई नहीं चाहता है कि हम विपक्ष में बैठे। तो आप जान लीजिए हम लोग विकास के मुद्दे पर वहां पर गए हैं और चुनाव में एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है और इस बार चुनाव में देखिएगा वो कार्यकर्ता जरूर। देखिए आवास में कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है, आवास का तो एक नियमावली बना हुआ है कि अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय राज्य की पार्टी बन जाती है जिसके सांसद विधायक चुनाव जीत के आते हैं उन्हें आवास अलॉट करना रहता है, उसी के तहत आवास अलॉट किया गया है, उन्होंने आवेदन दिया है, उस पर कार्रवाई हुई है। सभी लोग जानते हैं कि जो है जो उनकी पार्टी है जो पहले आवास अलॉट हुआ था उनको पार्टी कार्यालय के उनका कोई सांसद कोई विधायक अब चुनाव जीत कर नहीं आया है और पिछले 2 से 3 साल से उनको जो है उनका जो राशि था हम लोगों का आवास का जो रेंट होता है सभी पार्टी को अपना अपना रेंट जमा करना रहता है, तो उन्होंने पिछले 2-3 साल से अपना रेंट जमा नहीं किया था, तो सारे आधारों को मिलाकर उनका उनका आवास खाली करने का उनको नोटिस दिया गया है, और जब नोटिस दे दिया जाता है तो एक उसके विधि सम्बद्ध कार्रवाई होगी जब आवास उसका जो तिथि है उस तिथि के बाद। वोट जाना तो स्वतंत्रता है कि कोई भी लोग वोट जा सकता है, लेकिन जो सरकार नियमावली पे चलती है कोई नियमावली की अनदेखी की जाएगी तो कुछ निर्णय। उनका कहना है कि 4000 को लोकसभा की पार्टी के सदस्य यानी चिराग पासवान के कुछ ने आवेदन किया और मात्र 24 घंटे के अंदर ही आपके उनको वो कैरेक्टर कर दिया है, राजनीतिक रूप से प्रतिरोध है। नहीं नहीं हम लोगों ने तो उन्हें 13 तारीख का तक का समय दिया है कि 13 तारीख तक में आप अपना आवास खाली कर लें, चूंकि अब उनकी पार्टी अब राज्य की स्थायी पार्टी नहीं रही है, उनके कोई सांसद विधायक चुनाव जीत कर नहीं आए हैं, उस नियम के तहत में उन्हें आवास खाली कराया गया और किराया भी उनका 2 से 3 साल का हमें जो अनुमान है कि 2-3 साल से उनका किराया नहीं। नहीं ऐसी कोई लड़ाई से सरकार को कोई लेना देना नहीं रहता है, लड़ाई अपनी जगह है, पार्टी अपना जगह है, नियम कानून से सब कुछ चलता है। बहुत धन्यवाद।